नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो किराए पर नकेल कब बंद होगा मनमानी का खेल, इसमें आपका स्वागत है। अगर आप पीक आवर्स में ओला उबर से सफर करते हैं और महंगा किराया देकर परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब ये कंपनियां पीक आवर्स में आपसे मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। वहीं अगर ड्राइवर बिना वजह राइड कैंसिल कर देगा, यानी आपकी बुकिंग कैंसिल कर देगा, तो उस पर पेनाल्टी भी लगेगी। सरकार ने पुलिंग से लेकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद कड़े नियम बनाए हैं। तो कैब एग्रीगेटर्स के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में और क्या क्या है, इन गाइडलाइंस का पालन न करने पर किस तरह की सजा का प्रावधान रखा गया है और इन नियमों के आने के बाद क्या ओला उबर की मनमानियां रुक जाएंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सुबह सवेरे आपको ऑफिस जाना हो या फिर शाम को फैमिली के साथ घूमने, पीक आवर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भीड़ में घुसने से कहीं अच्छा होता है ओला या उबर बुक कर लेना। लेकिन ठीक ऐसे वक्त पर ही कैब एग्रीगेटर कंपनियां यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने में लग जाती हैं। पीक आवर्स के नाम पर ये यात्रियों से 2 गुना से 3 गुना तक किराया वसूल लेती हैं। लेकिन अब इन सब पर लगाम लगने वाली है। सरकार ने ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बना दी है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 के मुताबिक अब पीक आवर्स के नाम पर कंपनियां मूल किराए से 1.5 गुना से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगी। बेस फेयर मिनिमम 3 किलोमीटर तक के लिए ही होगा। जिन राज्यों में कैब का किराया राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, वहां बेस फेयर 25 से 30 रुपए ही माना जाएगा। नए नियमों के हिसाब से अब बिना वजह कैब कैंसिल करने पर पेनाल्टी लगेगी, जो कुल किराए का 10% होगा। पेनाल्टी राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एग्रीगेटर नए ग्राहकों को रिझाने के लिए छूट भी देते हैं, मगर अब ये छूट बेस किराए से 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। नए नियम बनाते वक्त सरकार ने राइडर्स की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा है, साथ ही कैब पूलिंग के लिए भी नए नियम बनाए हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब कैब एग्रीगेटर्स को ऐप में कार पूलिंग में महिलाओं के लिए अलग ऑप्शन देना होगा, जिसके जरिए वो सिर्फ महिला यात्रियों के साथ कार पूलिंग करने का विकल्प चुन सकेंगी। कंपनियां सिर्फ उन्हीं लोगों को पूलिंग सर्विस दे सकेंगी जिनका केवाईसी किया गया हो और वो सभी एक ही रूट पर सफर कर रहे हों। इसके अलावा कैब कंपनियां अब भारतीय सर्वर्स पर कस्टमर्स का डेटा ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के लिए ही स्टोर कर सकेंगी। इस डेटा को कानूनी तौर पर सरकार को भी देना होगा। साथ ही यूजर्स के डेटा को उनकी सहमति के बिना शेयर नहीं किया जा सकता। कैब कंपनियों को अब 24 घंटे के कंट्रोल रूम बनाने होंगे, जिससे सभी ड्राइवर्स हर वक्त कनेक्ट रहेंगे। नियम के मुताबिक अगर ओला उबर से यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक होगी या यात्री से ज्यादा किराया वसूला जाएगा तो उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। अगर साल में 3 बार सस्पेंशन होता है तो कंपनी को सभी सर्विसेज तुरंत बंद करने को भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नए नियमों में सिर्फ राइडर या यात्रियों का ही ख्याल रखा गया है। सरकार ने ग्राहकों की सुरक्षा के अलावा ड्राइवर्स के हितों के लिए भी एग्रीगेटर का रेगुलेशन बनाया है। ड्राइवर को अब ड्राइव करने पर 80% किराया दिया जाएगा और कंपनी अपने पास 20% ही किराया रख सकेगी। इसके अलावा अब एग्रीगेटर को हर ड्राइवर को कम से कम 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देना होगा, जो हर साल 5% की दर से बढ़ाया जाएगा। साथ ही हर ड्राइवर को 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी देना होगा। इसके अलावा ड्राइवर को साल में 1 बार 5 दिन का रोड सेफ्टी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखना जरूरी होगा। वहीं ड्राइवर्स की ड्यूटी अब 1 दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी और उसे 10 घंटे का अनिवार्य ब्रेक देना जरूरी होगा। राइडर्स और ड्राइवर्स लंबे वक्त से ओला उबर सहित तमाम कैब एग्रीगेटर्स की मनमानियां झेल रहे थे और इनके लिए नियम बनाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार अब सरकार ने इन कंपनियों के लिए गाइडलाइंस बनाकर कैब कंपनियों पर नकेल कस दी है। उम्मीद है कि अब नियमों का स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद अब देश में ओला उबर की बेलगाम मनमानियों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं संजय सम्राट, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के। हमारे साथ सिद्धार्थ पाहवा हैं, कंसल्टेंट एंड एडवाइजर मोबिलिटी सेक्टर के, और साथ ही प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ पाहवा जी आपसे होगा, चूंकि आपने काफ़ी स्टडी किया है इस नए नियम कानून का।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें और क्या डिटेलिंग है, क्योंकि बहुत जरूरी है जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो कैब की सर्विस यूज करते हैं, ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि उनके लिए और क्या नए बदलाव हुए हैं और इस नए कानून में उनके लिए और क्या खास है, तो अगर आप बताएं सर तो। थैंक यू। पहले तो झा जी मेरे को इस कार्यक्रम में लाने के लिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये काफी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कानून बनाए हैं और आई कैन से ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी हमारे एग्रीगेटर्स हैं कि कोई ना कोई कानून होना चाहिए, बिना कानून के नहीं चलना चाहिए। बट जो कुछ कानून काफी मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए बैकवर्ड स्टेप है, वो है पहली जैसा कि टोटल नंबर ऑफ राइड्स एक ड्राइवर दिन में सिर्फ लिमिटेड राइड कर सकता है, चाहे वो इंटर सिटी हो चाहे इंट्रा सिटी हो। वो काफ़ी आई वुड से कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द ड्राइवर। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, दुबई जैसे शहर में, सिंगापुर जैसे शहर में एक ड्राइवर दिन में कम से कम 25 से 30 ट्रिप करता है और तभी उसकी आमदनी बढ़ती है और तभी ड्राइवर अवेलेबिलिटी रहती है, टैक्सी अवेलेबिलिटी रहती है। तो अगर हम इस पर कोई भी लिमिट रखेंगे तो उससे अवेलेबिलिटी को काफ़ी नुकसान होगा, ये पहला चीज मैं बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूँगा कि 50% मैक्सिमम अगर आप पीक फेयर लेंगे या सर्च प्राइसिंग लेंगे तो उससे भी अवेलेबिलिटी को काफ़ी परेशान पहुँचेगा। यह आपको समझना चाहिए कि पीक टाइम पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर प्लेटफॉर्म पे आएं और कंज्यूमर को सर्विस करें। उस वक्त क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी होता है, ड्राइवर के लिए ड्राइव करना मुश्किल होता है, इसलिए वो चाहता है कि उसको अधिक से अधिक भाड़ा मिले उस वक्त। और अगर उस पर हम लिमिट लगा देंगे और स्पेशली सिर्फ 50% की अगर लिमिट लगा देंगे तो ड्राइवर रोड पे नहीं आएंगे, और अगर ड्राइवर रोड पे नहीं आएंगे तो कंज्यूमर को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगी ऑपरेटर्स को और एग्रीगेटर्स को करना, हमारे कोई भी ड्राइवर जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हमारे कर्मचारी नहीं है, वो एक खुद का एक बिजनेस मैन है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है। इसलिए उनकी इंश्योरेंस, उनके लिए लाइफ टाइम इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, दैट इज़ नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उसके पास फ्रीडम है, आज आए कल जाए परसों आए तरसों जाए, तो उसके लिए कोई भी इन चीज़ों को अगर आप ऑपरेटर को और एग्रीगेटर को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे तो ये काफ़ी हद तक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा और इंडस्ट्री इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये तीन चीजों मैं देखता हूँ काफी बैकवर्ड स्टेप हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। नहीं, हाँ सर, आपने कहा कि ये चूंकि वो इम्प्लॉई नहीं है इसलिए ये सारे बंदोबस्त उनके लिए नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैब ड्राइवर भी तो सर उनकी भी तो रोजी रोटी है, और अगर वो पूरे दिन का वक्त दे रहे हैं कैब चलाने में और कुछ अनहोनी होती है उनके साथ में या वो बीमार पड़ते हैं तो फिर वो कहाँ कैसे इलाज कराएंगे, तो इंश्योरेंस की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बेजॉन मिश्रा जी, मैं आपसे पहले मैं फेयर की बात कर लेता हूँ, बाकी मुद्दे और भी हैं बहुत सारे। जो ये कहा गया है कि जो सर्ज प्राइसिंग है ये एक बड़ा मसला होता है, खास करके मेट्रो सिटी में जहां पर ओला उबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और उसको 1.5 गुना तक ही फिक्स किया गया है, और कई बार ये होता है कि 3-3 गुना आपसे ज्यादा फेयर लिया जाता है पीक आवर में। तो आपको लगता है कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं ये पर्याप्त हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है कंज्यूमर के हित के लिए? मितिंजय जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है हमारे रेगुलेशन में वो है सर्वेलेंस। यू सी, द सर्वेलेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एज ए रेगुलेटर कोई भी चीज़ रेगुलेट कर रहे हो उसमें पारदर्शिता लाना चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यू सी, एक डिमांड एंड सप्लाई की बात है, हम लोग ऑलवेज ये चाहेंगे कि हमारे देश में सप्लाई शुड बी मच मोर देन द डिमांड। तो सर्च जो प्राइसिंग की बात हो रही है, सर्च प्राइसिंग होने का हम अपॉर्चुनिटी क्यों दें? हम ऐसे विकल्प निकालें, हम ऐसे तरीका निकालें, इस ढंग का नियम निकालें कि ढेर सारे लोग आए इस बिजनेस पे
और इससे उनका एम्प्लॉयमेंट हो. यू नो आई हर्ड ऑल्सो कि हर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है इस बिजनेस में. कई व्यक्ति एक्चुअली ड्राइवर है जिनका एक्चुअली रोजी रोटी चलता है डेली वेजेस पे. तो उस ढंग के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी करना अनिवार्य होनी चाहिए. सबके लिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे देश में. हम समझते हैं कि सेहत को लेकर हेल्थ सेक्टर को मिश्रा जी सबका हाँ. होना चाहिए. तो उससे कंपटीशन आएगा, उससे प्राइस स्टेबिलिटी होगी. सो प्राइसिंग में हाँ. हम समझते हैं कि वो ठीक बात है, होने का मौका ना दिया जाए. और जो सर्जिंग का जो वो लोग रखे हैं नियम हाँ, हाँ. उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली वो लोग उस कानून को उस नियम को मान रहे हैं कि नहीं. उसमें कमी है. हम देख रहे हैं कि रेगुलेशन पे पारदर्शिता नहीं है. ठीक बात है. हम लोग एज ए कंज्यूमर हम लोगों के पास एक ढंग का डैशबोर्ड होना चाहिए. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसमें जो जो नियम बनाए गए हैं उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर जोर ज्यादा होना चाहिए, तभी कंज्यूमर को फायदा होगा. अब संजय सम्राट जी, अब आपकी बारी है सर. मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आप चूंकि दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ये नियम कानून सरकार को लाना पड़ा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी तभी सरकार ने इंटरवीन किया है. ये जो पीक आवर वाला पूरा मामला है सर्ज प्राइसिंग का, ये वाकई बहुत सारे कंज्यूमर की शिकायत रहती है कि जब पीक आवर में आप कोई कैब बुक करते हैं तो आपको तीन तीन गुना तक ज्यादा प्राइस दिखाता है, और ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी करता है. तो ये कंज्यूमर से ज्यादा पैसा ऐंठने की एक कवायद है पीक आवर के नाम पे. और जब आपको लगता है कि पीक आवर है तो कंज्यूमर से जितना ज्यादा आप ले पाओ ले लो, और कंज्यूमर की मजबूरी होती है कि उन्हें अगर कहीं जाना होता है पीक आवर में, एयरपोर्ट जाना है या कहीं और जाना है जरूरी काम से, तो उन्हें मजबूरन करना पड़ता है. तो आपको लगता है कि एक बड़ी मनमानी थी कहीं ना कहीं और उसको कंट्रोल करने की जरूरत थी. आपका टेक क्या है इसके ऊपर? सर, जिसे आप मनमानी कह रहे हैं ना और सरप्राइजिंग कह रहे हैं, ये तो एक बहुत छोटी सी चोरी ही थी, एक छोटी सी लूट थी जो सरकार ने जनता को, भारत की जनता को एक संतावना दी है कि भाई छोटी सी हमने रोक दिया तो उनको लगे बहुत बड़ा भारी काम हो गया है. पहले तो भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, जो ये कार कंपनियां जो दे रही हैं, इनका बेसिकली जो धंधा है वो लोगों को सेवा देना नहीं है. इनका जो मेन धंधा है गाड़ियां बेचने का, ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं. पहले जो ओला उबर कंपनियां, इन्होंने उन गाड़ियों को डीजल गाड़ियों में यूज करा, डीजल गाड़ी में, और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की भी रजामंदी थी कि इनको चलने दिया. उसके बाद इन गाड़ियों को सीएनजी पे ले आई, तो उसके बाद वो डीजल गाड़ियां जो बेचारों लोगों ने खरीदी थी वो बर्बाद हो गए लोग. उसके बाद सीएनजी गाड़ी लाए, अब ये सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं. अब मैं बताना चाहता हूं इनका दूसरा धंधा है ओला कंपनी का, लीजिंग पे गाड़ी देने का. ये एक एक हजार रुपए पर डे पे गाड़ी देते हैं कि 30,000 रुपए पे बाउंड कर लेते हैं किसी गाड़ी मालिक को. संजय सम्राट जी सर, पे भी उससे एग्रीमेंट करें. संजय सम्राट जी, 1,000 रुपए पर डे का देना. संजय सम्राट जी, आज हम एक मिनट सर, संजय जी, हम नए हम सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं कैब एग्रीगेटर के लिए, हम उसके ऊपर सर आज बात कर रहे हैं. जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो दूसरा मुद्दा है, उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकता है. मैं ओला उबर वर्सेस बाकी टैक्सी कंपनियों का मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ. वो ठीक है सर, वो अलग नहीं, देखिए वो आपका कंसर्न हो सकता है. नहीं, संजय सम्राट जी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, अगर हम डाइवर्ट हो जाएंगे सर तो हम कोई सुबह भूल जाएंगे. मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ओला उबर की बात नहीं है, जो बाकी सिर्फ ओला उबर की बात नहीं है, जो बाकी जो टैक्सी है, राइडर्स की फैसिलिटीज की बात करिए सेफ्टी की, उसमें चालकों की सेफ्टी कहीं नहीं है. चालक को कोई भी सवाल लेके उसको मर्डर कर देता है, उसकी जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेती है. उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सबसे बड़ी बात है, कंपनी कहती है ये पार्टनर है. या तो आप पार्टनर मानो तो पार्टनर को वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो मालिक को मिलती है. जो एक पार्टनर को इज्जत और स्वाभिमान मिलना चाहिए, वो गाड़ी में सोता रहता है. अब ये 10 घंटे की ड्यूटी बांध रहे हैं तो उसको मिनिमम तो एक करें. भाई अगर केजरीवाल सरकार ने 17,000-17,500 रुपए की ड्राइवर की एक सैलरी मुकर्रर करी है महीने की, और उसमें उसकी संडे की भी छुट्टी होती है, उसमें उसकी 10 घंटे की भी ड्यूटी होती है, तो उसकी इनकम कम से कम ये मुकर्रर की जाए कि अगर कोई गाड़ी खरीद के अटैच करता है तो उसकी 60,000 या 70,000 की बिलिंग हो. अगर उससे गाड़ी तो करवा देंगे, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदवा देंगे उसको, और फिर उसको गुलाम बनाने की एक तरीके से साजिश हो जाएगी. ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ प्रावधान, तो ये तरीके से जो ये सम्राट जी आप कह रहे हैं कि ये कुछ प्रावधान है. नहीं नहीं, आपने ठीक कहा, इसमें सबसे पहले आपने ठीक कहा कि ये कुछ और प्रावधान है जो सरकार को और करना चाहिए. सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कैब ड्राइवर के लिए सेफ्टी होनी चाहिए. 2017 ठीक बात है. मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ संजय जी, फिर आप जवाब दें.
सबसे बड़ी सरकार, हाँ, सरकार को चालक की सेफ्टी। मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं सर, 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम करता है, उसकी सेफ्टी जी, उसको एक ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी कोई पार्किंग। मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं, अगर रोड पे गाड़ी खड़ी करता है तो उसको कोई लूट के ले जाता है जी। जी जी, मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूँ। ये तो हम ओला उबर की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कैब एग्रीगेटर हैं उनकी बात कर रहे हैं। दिल्ली, चूंकि आप दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली में जो बाकी के प्राइवेट कैब होते हैं उनकी मनमानी तो और ज्यादा होती है। यहाँ तो मान लीजिए 1.5 गुना या 3 गुना की हम बात करते हैं। जब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे कभी, या एयरपोर्ट पे उतरे, आप किसी प्राइवेट टैक्सी में जाएं, और कभी अगर और टाइमिंग होती है, मान लीजिए देर रात की या अर्ली मॉर्निंग की, तो वो अनाप शनाप जहां पे 500 रुपए किराया है वो सीधे 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,200 रुपए मांगते हैं, और उनके लिए कोई मतलब कोई बंदूक, आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद टैक्सी में बैठे हुए हैं। तो आप चूंकि दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप? सर ये सब सर ट्रैफिक पुलिस को हम कह चुके हैं कि भाई इस पे आप कंट्रोल रखो, कि हम भी खुद उतर के आते हैं रेलवे स्टेशन से, हमने देखना 50 आदमी हमारे से चिपट जाते हैं, तो हम तो उस चीज के खिलाफ हैं। एक सरकार उसी लोगों को वहां पे अटैच करे रेलवे स्टेशन पे, जो वहां की जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई हो, और उनको वो प्रॉपर एक जगह बनाए कि उससे पहले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये तो ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेवारी हो जाती है ना कि सब कुछ हो रहा है खेल, तो ये उनकी भी ड्यूटी हो जाती है। तो हम तो उस चीज के भी खिलाफ है कि सवारी को किसी तरीके की दिक्कत लगनी चाहिए, लेकिन जो मेनली जो दिक्कत आ रही है ये ओला उबर कंपनियों की तरफ से ही आ रही है, और आज तक इन कंपनियों को नकेल सरकार ने कसी नहीं है, और ये बल्कि जो गाड़ी मालिक है उनको एक तरीके से धोखाधड़ी हो रही है कि ये गाड़ियां बेचने का धंधा बन गया है। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी, ठीक है, कि ड्राइवर की जो सेफ्टी है सर, बेचारा मर जाता है उसको कोई कंपनसेशन सरकार नहीं देती। जी जी जी, चलिए वो ड्राइवर की सेफ्टी के ऊपर अलग से बात होगी सर। जी जी जी, बिल्कुल सिद्धार्थ पाहवा जी, अब मैं सर आपसे अगला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो नए प्रावधान किए गए हैं कि सर्ज प्राइसिंग 1.5 गुना तक ही हो सकती है, तो अब कोई पैसेंजर कंज्यूमर जब ट्रेवल करे तो वो कैसे ये पता कर पाएगा कि बेस प्राइस ये है और उनसे 1.5 गुना ज्यादा ही पैसा लिया जा रहा है? अगर उससे ज्यादा भी लिया जा रहा हो तो इसका अंदाजा उन्हें कैसे लगेगा, पहला सवाल। दूसरा ये कि जब मान लीजिए 1.5 गुना से अगर ज्यादा कोई कैब चार्ज कर रहा है तो उसकी शिकायत हम किस तरह से और कहां पर कर सकते हैं? सो मृत्युंजय जी, ये टेक्नोलॉजी से बहुत इजीली पॉसिबल है कि अगर हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट से और रेगुलेटर से कि आपको सिर्फ 50% तक सर्च प्राइसिंग करनी है, तो ये सिस्टम में हम इसको क्लियरली फीड कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी उसको कंट्रोल करेगी कि उससे ऊपर ज़्यादा प्राइसिंग नहीं जाए। तो ये काफ़ी पॉसिबल है। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया गया है, तो वो ऑपरेटर या एग्रीगेटर के जो कस्टमर सर्विस चैनल्स हैं, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे ईमेल हो, चाहे ट्विटर हैंडल हो, उस पर वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और सारे कैब एग्रीगेटर्स उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद वो गवर्नमेंट से भी इसके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है, एंड गवर्नमेंट कैन देन लुक इनटू इट। तो ये काफ़ी ईजिली है। बट जो दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो इस प्रावधान में, इस रेगुलेशन में काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो एक ये है कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि कितना परसेंट शेयर ड्राइवर को जाना चाहिए और कितना परसेंट शेयर ऑपरेटर को और एग्रीगेटर को जाना चाहिए, और उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है 20% और 80% का शेयर। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं कि 80% शेयर अगर ड्राइवर को जा रहा है तो जब सर्च प्राइसिंग होती है तब भी उनको 80% प्राइस जाएगा, तो दे शुड बी, उनको काफ़ी इसमें खुशी होनी चाहिए कि जो ज़्यादा फेयर मिलता है वो उनको भी फेयर जाएगा। दूसरी बात जो इस प्रावधान में आई है वो ये है कि अगर कोई ड्राइवर ने कोई गलती की है, बुकिंग कैंसिल की है, या अगर कंज्यूमर ने कैंसिल की है, तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है। ये हम एग्रीगेटर्स काफ़ी लोग टाइम से मांग रहे थे और ये इस प्रावधान में अब आया है, तो उससे हमें काफ़ी हमें आश्वस्ता मिलती है कि हम ड्राइवर का बिहेवियर और कंज्यूमर का बिहेवियर भी कंट्रोल कर पाएंगे इस प्रावधान के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पाहवा जी कही है, और ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने कैब बुक किया और आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करते रहे और बाद में आपका कैब कैंसिल कर दिया गया,
तो आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलती थी, लेकिन अगर आपने कैंसिल किया तो अगली बार जब आप राइड बुक करते थे तो आपसे पेनल्टी अपने आप ऑटोमेटिक बिल में जोड़ के आपसे ले लिया जाता था। लेकिन अब यह प्रावधान किया गया है कि जिसकी तरफ से भी कैंसिलेशन होगी, जो चाहे ड्राइवर कैंसिल करेगा तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा, और अगर कोई पैसेंजर कैंसिल कर रहा है तो उनको पेनल्टी देनी होगी। ये अच्छा प्रावधान है। लेकिन बेजॉन मिश्रा जी, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहता हूं सर, सवाल कि ये तो कैब एग्रीगेटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट कैब कंपनियां हैं जो, या फिर इंडिविजुअल जो कैब यूज करते हैं, जैसे मुंबई में काली पीली टैक्सी है या दिल्ली में प्राइवेट टैक्सी है, वहां से भी बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं कई बार ओवर चार्जिंग के, ओवर प्राइसिंग के, उनको लेकर के क्या प्रावधान है इस नियम कानून में और उनके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं मृत्युंजय जी, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आप यदि गाइडलाइन लाए हैं एग्रीगेटर के लिए, उसी ढंग का गाइडलाइन हर एक टैक्सी चालकों के लिए होना चाहिए और सारे लोगों का एक कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का डायमेंशंस क्या है। जब तक आप ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिफाइन नहीं करेंगे, आप सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं कर सकेंगे और सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं बना पाएंगे। इसी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी कंज्यूमर फाइन लगाने के लिए नहीं बैठा है किसी पे। हर कंज्यूमर चाहता है कि जब हमको कैब चाहिए, हमको कैब मिले जो सुरक्षित हो, जो साफ सुथरा अच्छी तरह हो, ड्राइवर का कर्टसी होना चाहिए, ड्राइवर वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए गाड़ी में, सारे हाइजीनिक होनी चाहिए। ये सारे चीज़ों को हम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाना चाहिए। और जो कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो टेलीफोन में हम कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका समाधान प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। इसी अभी हमको गाड़ी चाहिए, हमको फाइन करने से क्या मतलब बनता है? हम पीछे लग जाएंगे 100 रुपया और वो पैसा हमको मिलना चाहिए। यदि हमारे को किसी ने यदि धोखा दिया और बुकिंग करके हमारे पास नहीं आया, हमको उसको फाइन करके हमको फायदा क्या हुआ? तो एज ए ग्राहक हमको मतलब कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि हम वेट किए और गिवन टाइम पे नहीं आया गाड़ी, तो कॉम्पनसेशन हमको तुरंत सरकार की तरफ से हमको तुरंत मिल जाना चाहिए और सरकार को कलेक्ट करना चाहिए पैसे उनसे। ये सारे चीजों को जब तक एक अच्छी रूप से नहीं लाएंगे तब तक हमारे देश में टाइम कम है सर। हाँ जी ओके जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। संजय सम्राट जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आप चूंकि दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये जो नए नियम कानून बनाए गए हैं, क्या आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे? पहला सवाल। और अगर मान लीजिए इस तरह की वारदात दिल्ली में होती है, जो निजी कैब जो वहां पर चलते हैं रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर या बाकी जगहों पर, अगर वहां पर कुछ इस तरह से नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायत कहां पर की जा सकती है, ये जरा बता दें। मैं सर ये बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को एमएसपी तय करना चाहिए। जिस तरीके से किसान भारत के डिमांड कर रहे हैं, इस तरीके से टैक्सी वालों का भी, अगर वो 1-8 लाख की गाड़ी लेता है तो उसको कम से कम 70,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में इतनी लूट हो रही है कि एक जैम नाम की संस्था केंद्र सरकार ने बना दी है जो 27,000 रुपए महीने पे गाड़ी ले रही है सरकार में। तो आप ये बताओ ना, तो क्या आदमी करेगा, क्या खाएगा? कि कम से कम 8 लाख की गाड़ी का कम से कम बिलिंग 80,000 रुपए महीना होनी चाहिए। और जहां भारत जो दिल्ली सरकार है उसको 7,500 रुपए ड्राइवर का कर रही है, तो ये लूट तो सरकार करवा रही है। ये भारत सरकार एक तरीके से गफलत पैदा कर रही है। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि एमएसपी जो कार मालिकों का है उसका भी तय होना चाहिए कि उसको एक मिनिमम प्राइस मिले कि अगर वो 8 लाख रुपए की लेता है तो उसको 80,000 रुपए की महीने की इनकम होनी चाहिए, जिससे वो टाइम पे किस्त भी दे सके और ग्राहकों को सर्विस दे सके। तो शिकायतें तो आप जब लोगे ना, कि जब आप उसको दोगे कुछ, आप दे रहे होनी और उससे आप लूटने की सोचती है। ट्रैफिक पुलिस से लेकर हर तरीके से टैक्स लेके इंश्योरेंस सब लेने की सोचते हैं, देने की कोई नहीं सोचता। जी सर, हां ठीक है, आपकी बात 20 लाख करोड़ का बिल्कुल बिल्कुल नोटेड है सर। टैक्सी वालों को टाइम कम है, संजय सम्राट जी आपने अपनी बात रखी है। जी, चलिए इस तरीके से नहीं है ना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सम्राट जी आपका, सिद्धार्थ पाहवा जी आपका और प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सर वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि इस नए नियम कानून में कंज्यूमर के लिए क्या है, जो ट्रेवल करते हैं उनके लिए क्या है, ड्राइवर्स के लिए क्या है और कैब कंपनियों के लिए क्या है।